नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबर दमदार में खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जौनपुर से खबर, जहां पर दुर्गा पंडाल में दो समुदाय आमने सामने आ गए। मड़ियाहू इलाके में दोनों समुदाय के लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर मौके पर SDM, CO और पुलिस फोर्स तैनात कर दिए गए। दो लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने हंगामे को बढ़ावा दिया था। दुर्गा पंडाल में मारपीट की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जौनपुर में दो गुटों में मारपीट हो गई है, जमकर लात घूंसे चले हैं। पुलिस फोर्स भी मौके पर बुलानी पड़ गई। स्थिति ऐसी बन गई। गुटों में दो पक्षों में पंडाल के सामने बच्चों में विवाद हुआ था, जिस पर सूचना मिली तो नेवाड़िया पुलिस मौके पर पहुंची। इस सूचना पर मैं भी यहाँ गुतवन में मौके पर पहुंचा। यहाँ शांति व्यवस्था कायम है तथा तहरीर मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अमरोहा में पत्थरबाजी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक ही परिवार के बीच का ये संघर्ष बताया जा रहा है, जिसमें पथराव के बाद भगदड़ मच गई। जानकारी के मुताबिक मामूली विवाद में मारपीट हुई थी, पथराव भी हुआ। सूचना पर पुलिस टीम पहुंची, आरोपियों को शांति भंग के मामले में चालान किया गया। वीडियो कुछ दिन पहले का बताया जा रहा है। अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला इस्लाम का ये मामला बताया जा रहा है। हापुड़ में एक आदमी को अपने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवाना महंगा पड़ गया। पड़ोस में रहने वाले लोगों ने उसके साथ मारपीट की है। पीड़ित के घर पर पथराव भी किया। पीड़ित ने मारपीट के आरोपियों को पर नशा तस्करी का आरोप लगाया है। पीड़ित के मुताबिक नशा तस्करी का खुलासा ना हो जाए, इस वजह से ये आरोपी कैमरा नहीं लगाने दे रहे हैं। पिछले दिनों पुलिस ने मारपीट के आरोपी के घर से शराब बरामद की थी। उस वजह से हमने कैमरे लगवाए। कैमरे लगवाने के बाद दिन में इन लोगों ने कुछ नहीं कहा। रात को ये लोग लड़े, पिछले इतवार की रात को, और लड़ने के बाद हमने थाना में संपर्क करा। पुलिस आई, पुलिस आने के बाद चौकी इंचार्ज को इनके घर से 50,000 रुपये की शराब बरामद हुई। कम से कम जो 6 कट्टे थी, जिसमें बियर थी, इंग्लिश पौवे थे, RS के, IV के, देसी के 4 कट्टे थे। नोएडा की अमेठी यूनिवर्सिटी के बाहर दो छात्र गुटों में झड़प के बाद फायरिंग हुई है। छात्रों के दोनों गुटों ने फायरिंग की है। गोली लगने से एक छात्र जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया। मौके पर पुलिस टीम पहुंची, जांच पड़ताल की शुरुआत कर दी गई है। थाना सेक्टर 126 का ये मामला है। आगरा के रकाबगंज क्षेत्र के एक सिनेमा हॉल की पार्किंग में खड़ी एक बाइक में अचानक ही आग लग गई। बाइक से आग के लपटे निकलने शुरू हो गई, जिसके बाद लोगों ने आग पर काबू पाया। पार्किंग स्टाफ ने सूझबूझ दिखाते हुए आग पर काबू पा लिया। कासगंज में बेकाबू रोडवेज बस ने दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरे ऑटो में टक्कर मारी है, और इस हादसे में ऑटो सवार 12 श्रद्धालु जख्मी हो गए। इनमें 7 बच्चे हैं, 4 महिला और ऑटो चालक भी शामिल है। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के बाद गांव के लोगों ने सिकंदरा मऊ रोड जाम किया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को समझाया, तब जाकर मामला शांत हुआ। बस नोएडा डिपो की बताई जा रही है। हादसा सदर क्षेत्र के सिकंदरा मऊ रोड पर मोहनपुरा के पास हुआ है। अरे मैं भाई सामने था इधर। पीलीभीत के दियोरिना थाना क्षेत्र में धान लेकर लौट रहे किसान की ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में किसान की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। दरअसल किसान लोड ट्रॉली लेकर खेत से लौट रहा था, और इसी दौरान ट्रैक्टर का पहला पहिया फिसलकर गड्ढे में चला गया और ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। किसान ट्रैक्टर के नीचे आ गया, जिससे उसकी जान चली गई। हाँ,
सहारनपुर की गंगोह पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया। 4 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से निशानदेही पर चोरी की 13 बाइकें बरामद की गई हैं। नकुड़ रोड बिजली घर चौराहे के पास से सभी की गिरफ्तारी की गई। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने लंबे समय से वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देने की बात कबूल की है। काफी टाइम से इनकी सूचना मिल रही थी कि ये जो 3 अभियुक्त हैं, जो कि ग्राम सलारपुरा थाना गंगो के रहने वाले हैं, ये चोरी की मोटरसाइकिल में डील करते हैं और आसपास के क्षेत्र में इनकी काफी शिकायत थी। इस पर जब काम किया गया तो आज जब इनकी निशानदेही पर हमने इनको पकड़ने के बाद गिरफ्तार करने के बाद 13 बाइक्स टोटल रिकवर करी है। पीलीभीत के बीसलपुर सहकारी चीनी मिल कॉलोनी स्थित एक मकान को चोरों ने निशाना बनाया। क्वार्टर नंबर 52 से चोरों ने लाखों के गहने और कैश पर हाथ साफ किया है। चोरी के वक्त घर मालिक अपने चाचा के अंतिम संस्कार में गया था। घटना की जानकारी उससे पड़ोसियों की ओर से दी गई। क्या का सामान चोरी हुआ करते अंदाजे से? इसमें मेरी घरवाली का सर बिछुआ था, 2 जोड़ी पायल थी और कान की झुमकी थी, बच्चे के खड़ुआ और उसकी कंदनी थी और क्या नाम है, मंगलसूत्र था एक, 2 चांदी के सिक्के और 13,000 रुपये नगद। लगभग कितने पैसे? लगभग 2.25 लाख। जालौन पुलिस ने दुकान में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध पटाखा बरामद किया। मामला कोक कोतवाली क्षेत्र के लाजपत नगर मोहल्ले का है, जहां बिना लाइसेंस के दुकान में 9 बोरी पटाखा रखा हुआ था। छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से एक आदमी को भी गिरफ्तार किया है, जबकि 2 लोग पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। पुलिस को सूचना मिली तो जहां भंडारण किया जा रहा था लाजपत नगर में, वहां से लगभग 2 लाख रुपए के हम लोगों ने पटाखे बरामद किए हैं। 3 अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें 1 गिरफ्तार हो गया है, बाकी सभी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। आगरा पुलिस ने सरकारी चावल की कालाबाजारी करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया। पिछले दिनों प्रशासन की टीम को सरकारी चावल की कालाबाजारी की सूचना मिली थी, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने थाना अचनेरा क्षेत्र में एक गोदाम पर छापेमारी की। मौके से टीम ने 550 सरकारी चावल की बोरियां बरामद की थी, लेकिन आरोपी फरार हो गए। अब पुलिस जांच पड़ताल के बाद 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें 2 आरोपी कालाबाजारी करते थे और 2 कोटेदार हैं। पूछताछ में पता चला कि राशन हरियाणा ले जाया करते थे और वहां बेचा करते थे। देखिए, इसमें अभी हम लोग तो 4 लोग अभी भेज रहे हैं, इसमें मनीष का आपराधिक इतिहास भी है, ये इस पर लगभग 4 मुकदमे हैं आवश्यक वस्तु अधिनियम के और सुमित पे, और जो मनीष है इस पे भी 3 मुकदमे हैं, 2 जुआ अधिनियम के हैं, 1 आवश्यक वस्तु अधिनियम का। तो इनके पूरे गैंग को हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, जो पूछताछ में निकल के आया है या सर्वेलेंस के द्वारा जो भी हम लोगों ने निकाला है उस पर काम कर रही है टीम, और इसमें ACP अचनेरा, ACP खेरागढ़ और ACP सैया और इसके अतिरिक्त ACP अतमादपुर को भी लगाया गया है। और अगली खबर लखनऊ से, जहां पर पिता की हत्या में फरार चल रहा बेटा गिरफ्तार किया जा चुका है। 50,000 के इनामी हत्यारे बेटे को लखनऊ पुलिस ने गिरफ्तार किया। 2016 में जिला गाजीपुर में केस दर्ज हुआ था, इस मामले में अब इसकी गिरफ्तारी हुई है। ग्रेटर नोएडा में मकान में घुसकर डकैती करने वाले गिरोह के एक और सदस्य की गिरफ्तारी हुई। आरोपी मोहसिन के कब्जे से लूट के 49,500 रुपए, 2 वायर के बंडल और 1 चाकू बरामद किया गया। 28 अगस्त को इकोटेक 3 थाना इलाके के एक मकान में 7 से 8 लोगों ने डकैती की थी। अब तक इस मामले में 7 को गिरफ्तार किया जा चुका है। मेरठ में मकान गिरने का एक वीडियो सामने आया। सड़क से गुजर रहे बच्चे बाल बाल बचे। 150 साल पुराना जर्जर मकान गिरा। कैन बोट ने पहले ही नोटिस दिया था इस मकान को गिराने का। थाना सदर बाजार क्षेत्र के ढोल के मोहल्ले का यह मामला है।
तो जर्जर मकान था जो गिर गया था। पहले इस मकान को गिराने का नोटिस दिया गया था लेकिन अब तक इसे गिराया नहीं गया था। और इसी बीच 150 साल पुराना ये जर्जर मकान आज उस वक्त गिर गया जब रास्ते से दो बच्चे गुजर रहे थे। शुक्र है, गनीमत रही कि वो बच्चे इस हादसे में बाल बाल बचे हैं। देखिए जैसे ही बच्चे गुजरते हैं मकान धराशायी हो जाता है। मकान में लगी खिड़कियाँ, रॉड किस तरह से गिर रहे आप देख सकते हैं। अगर कोई भी बच्चा या कोई दूसरा इंसान यहां इसके जद में आ जाता तो बचना मुश्किल था। धनागरा कैंट स्टेशन पर एक आदमी की पिटाई के मामले में जीआरपी थाने का घेराव करने पहुंचे। आदमी की पिटाई का आरोप विशेष समुदाय के शख्स पर है जिसे लेकर हिंदूवादी संगठन के लोगों ने जीआरपी थाने का हंगामा किया थाने पर। और इसी बीच जीआरपी के साथ हिंदूवादी नेताओं की नोकझोंक भी हुई। हालांकि पुलिस ने हिंदूवादी नेताओं की तहरीर के आधार पर समुदाय विशेष व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आपको बता दें सवारियों को लेकर विवाद हुआ था। आज विशेष समुदाय के एक व्यक्ति ने एक आदमी की पिटाई कर दी थी। कार्यकर्ता के संग जब कुछ होता है तो अपनी बात रखने आते हैं अधिकारियों के पास और सीओ जीआरपी और इंस्पेक्टर जीआरपी दोनों ने बात सुनी है। एक घटना हुई, एक व्यक्ति ने पर्टिकुलर कार्यकर्ता संग बदतमीजी करी और उस बदतमीजी के साथ साथ कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया जिनको लेकर थाने में तहरीर दी गई। पुलिस ने निश्चित तौर पर आश्वासन दिया है कि कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। किसी भी की भी गुंडाई इस उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडों की जगह धरती पर तो नहीं, जो भी गुंडाई करेगा उसका पूर्णतः उसका जो भी कानून के दायरे में रहकर जो भी व्यवस्था होगी वो पुलिस प्रशासन करेगा। बिजनौर में लगातार आदमखोर का आतंक जारी है। तेंदुए ने आज एक बच्ची को मार डाला। नौटोर इलाके के मलकपुर गांव में तेंदुआ मां के सामने से बच्ची को उठा ले गया। मां ने शोर मचाया, भीड़ जुट गई, तेंदुए के पीछे लोग दौड़े, तब बच्ची को छोड़कर वो फरार हुआ। बच्ची को अस्पताल ले जाया गया लेकिन वहां पर उसे बचाया नहीं जा सका। डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित किया। सूचना के बाद वन विभाग की टीम पहुंची, पुलिस भी मौके पर पहुंची। तेंदुए की तलाश जारी है। पिछले कुछ दिनों से इस इलाके में लगातार तेंदुए का आतंक है। आए दिन तेंदुआ और गुलदार इसी तरह से लोगों पर हमला कर रहे हैं। तो तुम साथ में थे बच्चे के? नहीं जी, मैं तो मालिक के काम पता ही आ रहे थे। तुम्हारे साथ में थी बच्चे? हाँ। तो मतलब उठा ले गया तुम्हारा? हाँ, ऐसा नहर के पुल पर सड़क पे किनारे आए, बस आया है इसे मारा, ले गया, छीन गया और हट कर इतना गांव वाला है, इतना खत्म कर दिया। बहराइच के करतनिया वन्य क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। हाथियों के हमले में घायल आदमी की इलाज के दौरान अस्पताल में आज मौत हो गई। दरअसल भवानीपुर के मुबारक सुबह नेपाल जा रहे थे और इसी दौरान जंगली हाथियों ने उन पर हमला कर दिया। शोर सुनकर वनकर्मी पहुंचे और मुबारक को हाथियों से छुड़ाकर अस्पताल ले गए। इलाज के दौरान मुबारक की मौत हो गई। किस चीज से जा रहा था? साइकिल से। क्या करने जा रहा था? नेपाल में सामान लेके जा रहा था, तो जात रहा वो कार लेके पीछे से हाथी भेद जो इतने लोग, तो एक आदमी हमारे गांव का जो जात रहा है तो उसने देखो तो वो खटे खटे क्या बताए, तो हमारे परिवार खटे थे। दो हजार 2025 में होने जा रहे महाकुंभ में अखाड़ों के बीच स्नान के क्रम को लेकर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने इस बार जूना अखाड़ा को सबसे पहले स्नान कराने का मन बनाया। महंत रविंद्रपुरी के मुताबिक शैव परंपरा के मुताबिक अखाड़ों में सबसे बड़ा जूना अखाड़ा है। वहीं इस बात का विरोध हमेशा से पहले स्नान करते आ रहे महानिर्वाणी अखाड़े की ओर से किया गया। अखाड़ा परिषद की अगली बैठक में दोनों ही तरफ के प्रस्ताव लाने की तैयारी है। जूना अखाड़ा जिसमें लाखों की संख्या में संत महात्मा होते हैं और इसमें एक ही अखाड़ा नहीं है, इस अखाड़े में कई अखाड़े शामिल है। दत्त अखाड़ा भी इसमें है, आपने देखा हुआ हमारे किन्नर समाज भी इसमें है और नाना प्रकार के जितने भी दल है वो सभी दल जूना अखाड़े में है। तो मेरा प्रयास रहेगा, हम सब मिलकर के सन्यासी मिलकर सन्यासियों का प्रयास रहेगा कि प्रथम स्थान जो है जूना अखाड़ा को दिया जाए।
गोरखपुर में सीएम योगी ने नवमी पर गोरखनाथ मंदिर में कन्या पूजन किया। मां सिद्धिदात्री की आराधना के बाद नौ कन्याओं और बटुक भैरव के पांव पखार कर व्रत का पारायण किया। इस दौरान उन्होंने मौजूद श्रद्धालुओं को संबोधित भी किया। सीएम ने कहा कि शारदीय नवरात्र आधी आबादी के सम्मान, सुरक्षा और उनके स्वावलंबन की प्रेरणा प्रदान करता है। महिलाओं का सम्मान और सशक्तिकरण होगा तभी समाज स्वयं ही सशक्त और सामर्थ्यवान होगा। कि जहां नारी की पूजा होती है, उसका सम्मान होता है, वह समाज स्वयं ही समर्थ और शक्तिमान होता है। स्वाभाविक रूप से यही मान्यता जो हमारे सनातन धर्म की मान्यता रही है कि यत्र नारस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां नारी की पूजा होती है वहां पर स्वयं दैवीय शक्तियां विराजमान होकर के उन मनोकामनाओं की पूर्ति करने में सहभागी बनते हैं, सहयोगी बनते हैं, और ये हम सब के लिए यह एक गौरव का क्षण है जब हम शारदीय नवरात्रि की नवमी तिथि में 8 दिनों के अनुष्ठान के उपरांत आज कुंवारी कन्याओं के पूजन के कार्यक्रम के साथ यहां गोरखपीठ के साथ में जुड़ रहे हैं। और ये तस्वीरें गोरखपुर से आप देख रहे हैं, संध्या आरती की ये तस्वीर सीधे गोरखपुर से। आज महानवमी है, महानवमी के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ को आप मां की आराधना करते देख रहे हैं। शक्ति पूजा का केंद्र गोरखपुर। और आज लखनऊ में जेपी जयंती पर सियासी उबाल देखने को मिला। जयप्रकाश नारायण जयंती के मौके पर लखनऊ में सियासत चरम पर है, लिहाजा अखिलेश यादव के घर के बाहर जेपी की प्रतिमा लाई गई। इसके बाद अखिलेश यादव ने घर के बाहर निकलकर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर भारी संख्या में सपा कार्यकर्ता भी मौजूद थे। पर नहीं करने दे रहे हैं, ये रोकने का काम ये नया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हर अच्छा काम रोका है, लेकिन आज हम लोग सड़क पे खड़े होकर के जननायक जयप्रकाश जी को याद भी कर रहे हैं। ये सरकार रोकना चाहती है कि हम माल्यार्पण न करें, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर सड़क पे ही माल्यार्पण कर दिया है। जयप्रकाश जी के नाम पर जो स्मारक बना है उसको इसलिए ढका हुआ है, कहीं साजिश है उसके पीछे, और साजिश ये कि लोग बेचना चाहते हैं। सोचिए ऐसी सरकार जो म्यूजियम बेच रही हो, जननायक भारत रत्न जयप्रकाश जी के स्मारक को भी बेच रही हो, उससे क्या उम्मीद। वहीं शिवपाल यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार महापुरुषों का सम्मान नहीं करने देना चाहती। जेपी के नाम पर आज समाजवादियों को माल्यार्पण करना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की सरकार और पुलिस के बल पर जो दमन चक्र चला रही है, अगर वहाँ पर जेपी की मूर्ति पर आज माल्यार्पण हो जाता तो ये तो देखिए जो देश के महान लोग हैं जयप्रकाश जी से लेकर के, अगर उन पर माल्यार्पण हो जाता तो उनका सम्मान हो जाता, लेकिन जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार और अधिकारियों के बल पर ऐसे लोग पुरुष
और महान लोगों के विभूति पर का सम्मान नहीं करना देना चाहती है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर हमला किया। उन्होंने लिखा, अखिलेश यादव का घोर दोहरा चरित्र दिख रहा है। एक तरफ राहुल गांधी की खुल्लम खुल्ला दरबारी करते हैं, दूसरी तरफ लोक नायक जयप्रकाश नारायण को पूजने का दिखावा करना चाहते हैं, जिन्होंने देश को कांग्रेस की काली तानाशाही से मुक्ति दिलाई थी। यूपी बीजेपी अध्यक्ष का समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि नियमों को तोड़ना एसपी की संस्कृति है। उन्होंने कहा कि एसपी रास्ते से भटक चुकी है, पीडीए के नाम पर परिवार को बढ़ावा दिया गया है। और नियमों को तोड़ना और कानून को अपने हाथ में लेना एक समाजवादी पार्टी की संस्कृति सा बन गया है, और उनके द्वारा इस प्रकार के कृत्य करना एक सब जग जाहिर है। सुरक्षा कारणों से लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उस स्थान को किसी भी आने जाने के लिए प्रतिबंधित कर रखा है। अखिलेश यादव जी स्वयं बड़े नेता हैं और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के मुख्यमंत्री रहे, उनका ये प्रयास केवल मीडिया में सुर्खी बनाने के लिए, मीडिया में अपना स्थान बनाने के लिए है। जेपी के सिद्धांतों का समाजवादी पार्टी मार्ग से भटक चुकी है, और आज जिस प्रकार से अपराधियों को, बलात्कारियों को, अनैतिक काम करने वाले माफियाओं को संरक्षण देना समाजवादी पार्टी की एक पहचान सी बन गई है, और पीडीए के नाम पर जो लोग ये अपने परिवार को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, वो ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि समाजवादी पार्टी अपने मार्ग से भटक गई है। आजमगढ़ में तालाब में डूबकर दो लोगों की मौत हो गई है। अहरौला थाना क्षेत्र के शकरकोला गांव में तालाब के अंदर तीन लोग फूल लेने गए थे, जिनमें दो लोग गहरे पानी में चले गए। दो को डूबता देख तीसरे ने गांव में आकर सूचना दी। मौके पर पहुंचे गांव के लोगों ने डूबे हुए दोनों को बाहर निकाला। अस्पताल ले जाने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। सोनभद्र में भंडारे के टेंट में करंट आने से एक आदमी की मौत हो गई, जबकि दूसरा झुलस गया। मामला बभनी थाना क्षेत्र के हनुमान मंदिर का है, जहां भंडारे के लिए टेंट लगाया गया था, तभी अचानक टेंट में करंट आया। करंट की चपेट में आकर दो लोग झुलस गए। आनन फानन में दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने एक को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे को गंभीर स्थिति में इस वक्त अस्पताल में भर्ती किया गया है। सहारनपुर में एक मुस्लिम व्यक्ति ने हिंदू धर्म अपनाया। चिलकाना क्षेत्र के रहने वाले शहाबुद्दीन ने सरसावा के देवकी मंदिर में बजरंग दल पदाधिकारियों की मौजूदगी में विधि विधान से शुद्धिकरण के बाद हिंदू धर्म अपनाया। शहाबुद्दीन ने अपना नाम बदलकर अर्जुन शर्मा रखा है। अर्जुन के मुताबिक हिंदुस्तान में पैदा हुआ हर व्यक्ति सनातनी है, अब आगे की सारी जिंदगी वो सनातनी बनकर ही जीना चाहते हैं। मेरा नाम मोहम्मद शाहबुद्दीन पहले नाम था, अब मैं सनातन धर्म को स्वेच्छा से इख्तियार कर रहा हूँ मैं, और किसी को दबाव नहीं है, ठीक है जी। और मेरे भाइयों ने ना बहुत जुल्म करे, जिन्होंने मुझे मुसलमान बनाया और गलत कामों में यूँ कहा कि मेरा साथ दो, जिससे मैं आज ही आहत हो के मैं उनका साथ ना देके मैं सनातन धर्म के लिए साथ देने आया हूँ। सरकार से और प्रशासन से और जो हमारे हिंदू भाई समाज है उनसे मैं मदद की उम्मीद चाहता हूँ मैं। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का आज 82वां जन्मदिन है। हर साल की तरह इस साल भी उनके फैंस मुंबई स्थित उनके घर जलसा के बाहर सुबह से ही बिग बी का बेसब्री से इंतजार करते दिखे। तो अमिताभ बच्चन ने अपने चाहने वालों को निराश नहीं किया और उन्होंने घर के बाहर निकलकर अपने फैंस का अभिवादन स्वीकार किया। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं। We'll be right back.